सामने म्यांमार, एक तरफ थाईलैंड और एक तरफ लाओस। वेलकम टू AEC। सो यहाँ पे भी लोग गणपति भगवान लक्ष्मी देवी को मानते हैं, बिकॉज कि मेरे लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा म्यांमार है, मेरे राइट साइड में पूरा का पूरा लाओस है। यहाँ पे लाओस, म्यांमार एंड मैं हूँ थाईलैंड पे। 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, आज तारीख है 13 तारीख, और अभी टाइम हुआ है 10:30 अराउंड थाईलैंड में। अभी मैं चेकआउट कर रहा हूँ थाईलैंड के चेंग राय के वैंगकम होटल से। यहाँ पे मैंने 2 नाइट स्पेंड की, और अभी मैं जाऊँगा यहाँ से कुसुमी का फ्लाइट है मेरा रात का, 9 बजे का फ्लाइट है मेरा चेंग राय से बैंकॉक का, एंड देन बैंकॉक में मेरा ले ओवर है 4 to 5 hours, एंड अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट है मेरा बैंकॉक टू सूरत थानी। सो सूरत थानी से वापस मुझे लेनी पड़ेगी फेरी फॉर कुसुमी। सो थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी है, बिकॉज डायरेक्ट कुसुमी की फ्लाइट्स बहुत महंगी मिल रही थी, इसलिए मैं सूरत थानी उतर के कुसुमी जा रहा हूँ। सो ये है मेरा होटल चेंग राय का, इसको बाय बाय खोलने का टाइम आ गया है। और हाँ, इस होटल का नाम है वैंगकम, और ये भी काफ़ी रिजनेबल होटल है। आई थिंक मैंने पे किया है 2100 या 2200 पर नाइट, सो इट्स गुड। आई मीन होटल सस्ता ही, अगर आप आ रहे हो स्पेशली अगर आप कपल्स में या 2-3 लोग या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो आपको होटल्स काफ़ी सस्ते पड़ेंगे। नाउ आई एम प्लानिंग टू गो टू वाटरफॉल एंड लेट्स सी। यहाँ पे ट्रायंगल भी है जिसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, वहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के बॉर्डर मर्ज होते हैं। चेकआउट हो गए और मैंने लगेज रखवा दिया बाहर। आई विल कम एट अराउंड 4। मैंने डिसाइड किया कि मैं जा रहा हूँ गोल्डन ट्रायंगल। गाइस अभी मैं हाईवे पे, मैं अजमेर में तो पहुंच चुका हूँ गोल्डन ट्रायंगल के, एंड आप लोग देख सकते हो कि ये हाईवे कितना अच्छा है। मैं बहुत अच्छा हाईवे चलाने का भी मजा आ रहा है, और अभी तक मौसम भी काफ़ी साफ और क्लीन है, थोड़ा थोड़ा धूप भी आ रहा है, हल्के हल्के बादल भी है। सो एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड राइट नाउ। गाइस आई विल सजेस्ट कि अगर आप चेंग राय आते हो तो आप कहाँ ना कहाँ पे एक लॉन्ग ट्रिप जरूर करना। अगर आपको गोल्डन ट्रायंगल नहीं जाना हो तो भी आप कहीं ना कहीं बाजू में ऐसी जगह जाना जहाँ पे आपको हाईवे यूज़ करने मिले, बिकॉज यहाँ के हाईवेज बहुत अच्छे हैं, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा हाईवेज पे गाड़ी चलाना। यू कैन रेंट अ कार ऑल्सो, और एल्स यू कैन रेंट अ बाइक ऑल्सो, आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले मुझे वो रास्ते पर सांप दिख गया, एक स्नेक दिख गया, थोड़ा डर पड़ा उस वक्त। मैं वापस साइड से मैं निकाल लिया गाइस। अभी मैं वापस रुका हूँ एक पेट्रोल स्टेशन पे जस्ट टू गेट फ्रेश, बिकॉज मैं पहुंच चुका था अभी 5 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। यू नो एक चीज़ मैंने नोट की, यहाँ पे जितने भी ये बड़े बड़े पेट्रोल पंप है इनका सबका स्ट्रक्चर सेम ही है। पहले तो मुझे लगा कि मैं कल वाले पेट्रोल पंप ही आ चुका हूँ, जब कल मैं रुका था चेंग राय से चेंग राय जाते वक्त टैक्सी में, तो उसमें भी यहाँ पे पेट्रोल पंप था, उसके यहाँ पे 7-Eleven था, एंड यहाँ पे शॉप्स थी, एंड बहुत सारे वॉशरूम्स थे, एंड यहाँ पे अमेजन कैफे था। मोर लाइक ऑलमोस्ट सेम, बट ये वो वाला नहीं है। मैंने अभी जस्ट वो वाला वीडियो निकाल के देखा तो रियलाइज कि ये वो वाला पेट्रोल पंप नहीं, ये वाला दूसरा है। सो अभी मैंने बीच में रास्ते में आते हुए कुछ ऑरेंजेस ले लिए थे, एक ऑरेंज खा रहा हूँ अभी के लिए मैं, एंड देन बाकी मैं वहाँ पे जाके कुछ खा लूँगा बीच में, एल सी अगर कुछ वेज मिलता है कि नहीं मिलता, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ थाईलैंड म्यांमार और लाओस के बॉर्डर पे। अभी जैसे मैंने गोल्डन ट्रायंगल देखा, मैं वहाँ पे वापस जाऊँगा, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि मैं एक सोप वॉक करके यहाँ पे प्लेस है यहाँ पे आ जाता हूँ, जो कि हार्डली 500 मीटर दूर है गोल्डन ट्रायंगल से। सो ये है वो प्लेस, यू कैन सी यहाँ पे इसका एक एंट्रेंस है, एंड देन अंदर आपको बड़ा सा टेम्पल दिख जाएगा। थाईलैंड में आपको हर चीज़ में आई थिंक टेम्पल्स तो दिख ही जाएंगे, आई एम श्योर टेम्पल के बिना थाईलैंड आपको अधूरा लगेगा पूरा को।
कैन सी ये काफी बड़ा टेंपल है। उसका एंट्रेंस कहाँ से है, एंट्रेंस मतलब हम लोग अलाउड भी है कि नहीं टूरिस्ट यहाँ पे अंदर जाने के लिए, बिकॉज मैंने शॉर्ट्स भी पहने हुए आज, सो मैं तो अंदर नहीं जा रहा हूँ। आ गई बड़े बड़े ड्रैगन, सब कुछ चाइना और थाईलैंड में सब जगह दिख जाएंगे। हम लोग बोलते हैं कि चाइना को ड्रैगन बोलते हैं, बट अगर थाईलैंड में आओगे तो थाईलैंड में भी आपको ड्रैगन्स हर जगह दिख जाएंगे। आई डोंट नो मतलब सिग्निफिकेंट क्या रहता है इनका, बट इनके कल्चर में हर जगह जहाँ भी आपको इनके रिलीजियस चीज़ें दिखेगी वहाँ पे आपको बड़े बड़े ड्रैगन दिख जाएंगे। आप लोग देख सकते हो तीन तीन मुंह वाले ड्रैगन। आई थिंक मैंने बैक साइड से एंटर किया था, फ्रंट साइड इस टेम्पल का यहाँ से है और फ्रंट में ये और ही ग्रैंड लग रहा है। एंड आपको लगा कि वाइट टेम्पल आ गया, काइंड ऑफ वाइट टेम्पल जैसा ही है ये भी। अभी जस्ट मुझे आपको लोकल दिखे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं मंदिर के अंदर जा सकता हूँ, तो उन्होंने बताया कि हाँ आप अपने स्लीपर्स उतार के अंदर जा सकते हो, शॉर्ट्स में अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अंदर जाके मैं देख के आया, अंदर भगवान की मूर्ति बहुत ही बड़ी है, बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, और अंदर अलग अलग पेंटिंग्स भी की हुई है जहाँ पे आई थिंक बुद्ध भगवान की टीचिंग्स दिखा रहे हैं कि उन्होंने कब कब क्या क्या किया था। गाइज अराउंड एक घंटा और 15-20 मिनट की ड्राइव करके मैं पहुंच चुका हूँ गोल्डन ट्रायंगल पार्क। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये बुद्धा का स्टैचू है, और अभी मैं इस पार्क के अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या है। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट की जैसे सारे की सारी शॉप्स दिख जाएगी, यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें बाय कर सकते हो, खाने पीने की चीज़ें दिख जाएगी, और ये देखो सारे शॉप्स हैं यहाँ पे, फिर यू कैन बाय या सुवेनियर्स या क्लोथ्स आपको अगर लेने हो तो आप ऐसे बाय कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पे ये कुछ बोटिंग्स का भी चलता है, इसके लिए सारे लाइफ जैकेट है यहाँ पे। सो लेट्स सी, ये है यहाँ पे अलग अलग स्टैचूज, हाथी भाई हैं यहाँ पे अपने, हाथी भाई के नीचे से गेट है यहाँ पे, गो टू द गेट। इसको काइंड ऑफ बोट जैसे बनाया गया, आप लोग देख सकते हो कि ये आई थिंक बोट लग रही है यहाँ से, ये बोट का एक एंड है, एंड यहाँ पे सारी भगवान की तस्वीरें आई मीन स्टैचूज है सारे साथ में, एक सबसे बड़ा और उनके नीचे बहुत सारे हैं। इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल पार्क। अभी यहाँ पे तीनों बॉर्डर्स मिलती है, एग्जैक्टली कौन सी बॉर्डर किसकी है वो मैं आपको देख के बताऊंगा, बट यू कैन सी यहाँ पे ये एक लेक है, इसके एक तरफ म्यांमार, एक तरफ थाईलैंड और एक तरफ लाओस है। सो आई थिंक यहाँ से आप बॉर्डर रोड से भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन सी यहाँ पे ऐसे ये बोट्स जाती है, ये बोट्स में यू कैन यू नो इन बोट्स में बैठ के आप यहाँ पे घूम सकते हो इस नदी में। और यहाँ पे पहले बहुत ओपियम की खेती होती थी, आई मीन ड्रग्स एंड और बहुत ज़्यादा होता था, बट इवेंचुअली गवर्नमेंट ने अभी वो सारी चीज़ें बंद करवा दी है, और अभी यहाँ पे नॉर्मल टूरिज्म से ही चलता है काम लोगों का, तो पहले ओपियम ड्रग्स की खेती बहुत होती थी। लेट्स सी गाइस यहाँ पे और क्या क्या है। सी यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम वेलकम टू AEC, आई डोंट नो AEC का मतलब क्या है, वेलकम टू AEC,
और यहाँ पे आपको थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रूनी, वियतनाम, म्यांमार एंड फिलीपींस सारी कंट्रीज दिख जाएगी, आई मीन कंट्रीज के बोर्ड्स दिख जाएंगे यहाँ पे। आई डोंट नो क्या है ये, इसका मतलब क्या है, बट जैसे कि पूरा टूरिस्ट स्पॉट है तो आप यहाँ पे शॉप्स बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे। अगर आपको कुछ भी सुवेनियर्स या शॉपिंग करनी हो तो आप यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पे लाफिंग बुद्धा है, यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी। आप देख सकते हो सामने गणपति भगवान का फोटो है, फोटो आई मीन स्टैच्यू है। तो यहाँ पे भी लोग गणपति भगवान लक्ष्मी देवी को मानते हैं, बिकॉज बीच में आते वक्त मैं रास्ते पे एक जगह देखी थी जहाँ वहाँ पे लक्ष्मी माता का और गणपति भगवान का स्टैच्यू था। यू कैन सी देवी माता भी है यहाँ पे, अम्बे माता लग रही है। तो यहाँ पे लोगों ने अपने हिसाब से देखो कुछ ड्रिंक्स चढ़ाए हुए भगवान को। हर कल्चर में आई थिंक अपने अपने हिसाब से वो लोग रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करते हैं और चीज़ें चढ़ाते हैं। जैसे कि हिंदुइज़्म में हम लोग फूल फल चढ़ाते हैं, वैसे यहाँ पे ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्डन ट्रायंगल। हमें थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि ड्रिंक्स विंक्स, बट ये सब यहाँ पे नॉर्मल है भगवान को चढ़ाना। म्यांमार पूरा का पूरा, लाओस। सी हाँ, मैं इसकी ही बात कर रहा था। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरे लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा म्यांमार है, मेरे राइट साइड में पूरा का पूरा लाओस है। यहाँ पे लाओस, म्यांमार एंड मैं हूँ थाईलैंड पे। थाईलैंड पे यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे। सो ये पूरा एरिया हो गया म्यांमार का, ये हो गया लाओस का, एंड मैं हो गया थाईलैंड का भी। इसे यहाँ से आप बोट राइड भी कर सकते हो। ये बोट आई थिंक आपको चारों तरफ बॉर्डर तीनों कंट्रीज की बॉर्डर पे घुमा देगी। आई डोंट नो चार्जेस क्या, मैंने पूछे नहीं, बट लेट्स सी। अगर मुझे कोई दिक्कत तो मैं चार्जेस पूछ लूँगा कि चार्जेस क्या है। बट ये बोट है इसके लिए कि आप तीनों कंट्रीज के बॉर्डर पे घूम लो। इसमें आपको आई थिंक कुछ ना कुछ तो गाइड है, यू नो हिस्ट्री बताएंगे कि इस लोकेशन पे पहले क्या होता था। जैसे मैंने बताया आपको कि पहले ड्रग्स और ओपियम की खेती बहुत होती थी यहाँ पे, जो कि अभी बंद हो चुकी है। सो गाइस, अगर आपको बोटिंग करनी है तो आप यहाँ से बोटिंग के लिए जा सकते हो। अभी जस्ट मैंने इंक्वायर किया, यहाँ पे चार्जेस है 500 बात फॉर अ कपल्स। अगर आपको अकेले जाना है सो यू हैव टू पे 250 बात, और एक छोटी बोट के चार्जेस है। बट अगर आपको बड़ी बोट्स में जाना है तो आई थिंक उसके चार्जेस वापस अलग रहेंगे। सामने म्यांमार, एक तरफ थाईलैंड और एक तरफ लाओस, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल।